और नॉन टीचिंग स्टाफ एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं अमूटा के बैनर के नीचे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है जो पिछले 10 दिनों से जारी है, वो मांग ये है कि जो हिंदुस्तान की सरकार ने जो एक काला कानून लाया है, जो सीधे संविधान पर अटैक करता है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को बांटता है, उस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज के दिन ये मांग हमारी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आज अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। क्या अशफाकुल्ला खान ने बलिदान नहीं दिया, क्या रामप्रसाद बिस्मिल ने बलिदान नहीं दिया, फिर अशफाकुल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल को अलग क्यों किया जा रहा है? इसी बंटवारे के खिलाफ आज पूरे मुल्क में यूनिटी मार्च निकाला गया है कि रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाकुल्ला खान से अलग नहीं किया जा सकता है। आज अमूटा के बिरादरी ने इसी अशफाकुल्ला खान रामप्रसाद बिस्मिल को एक बार फिर दोबारा एक साथ खड़े करने की कोशिश करी है और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई मुल्क में रहने वाली अकलियतों की, शेड्यूल कास्ट की, जो कमज़ोर हैं उनकी लड़ाई है। आप ये देखिए कि जो CAA आया है उसमें एक अजीबोगरीब बात है, इसलिए कि हम सबको दोबारा अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है कि जो सबको साबित करना पड़ता है, ये एक्सक्लूजन वाला प्रोसेस है जिसको हम लोग हमेशा के लिए रिजेक्ट करते हैं। इसको कभी हिंदुस्तान का आम शहरी आम जनता मानने वाली नहीं है, जिनको संविधान में भरोसा है। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इसी से बेचैनी है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में सारे धर्म सारी जाति के लोग मिलजुल करके रहें। और ये जो बिल है और ये इस रंग दे रहे हैं कि इस पूरे देश में ये मुसलमानों के खड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जहाँ हजारों लाखों करोड़ों आदिवासी हैं, हजारों करोड़ों दलित हैं जिन्हें आज तक आधार नहीं मिला है, जिन जो न किराए पे मकान पे रहते हैं न जिनके पास अपनी ज़मीन है, जब उनको आधार नहीं मिला है तो उनको नागरिकता कहाँ मिलेगी? हम आज इस अमूटा के मंच से सभी दलितों और आदिवासियों को आह्वानित करना चाहते हैं कि आप भी आएं और हमारे साथ हमारा साथ दें। आज बिस्मिल्लाह खां अशफाकुल्लाह शाह का दिवस जन्म दिवस है, शहादत दिवस है अशफाकुल्लाह साहब का, और इसमें हम सारे एकत्रित हुए हैं और ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है। ठीक है कि AMU है, लेकिन हम सारे लोग मिलकर के, मेरा नाम कमलानंद झा है और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। शुक्रिया। देखिए, पूरे देश में जो CAA के खिलाफ पूरा प्रदर्शन चल रहा है और आज ये प्रदर्शन अमूटा टीचरों की जानिब से और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से CAA के खिलाफ निकाला गया, और ये गीता और कुरान बचाने की बात नहीं हो रही है बल्कि मुल्क के संविधान को बचाने की बात चल रही है। जिस मुल्क में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, तमाम लोगों को एक अधिकार दिया था, उस अधिकार को ख़त्म करने की जो सरकार पॉलिसी बना रही है उसको कंडम करने के लिए और उनकी जो RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।